गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गीता अग्रवाल, इंग्लिश मिस्ट्रेस. लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास. दिस इज क्लास 8. टूडे इज 14th ऑफ जनवरी 2022. टूडे इज अ फेस्टिवल विच इज कॉल्ड मकर संक्रांति. लेट्स स्टार्ट reading today's assignment sent by Department of School Education, Punjab. Reading comprehension. आज बच्चों आपां नूं reading comprehension आया हुआ है. आओ आपां इस नूं read करिए. Read the following passage and answer the questions. Reading. Tokyo is an ugly city. Ugly मतलब बदसूरत. मैं इसनों ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं करांगी. जेडे कोई मेन वर्ड्स ने जेडे मैं लगेगा कि तो उन्हों नहीं समझ आएंगे, उन्हानों मैं ट्रांसलेट कर दांगी. ज़्यादातर नहीं करांगी ताकि तुसी खुद भी इससे थोड़ा या मेहनत कर सको, पर फिर भी इन्ना कुछ जरूर कर दांगी तो उन्हों समझ आ जाएगा. देयर आर हार्डली. हार्डली मतलब मसाई. आप कहने भी बड़ी मुश्किल नाल. एनी ब्यूटीफुल और इवन गुड बिल्डिंग्स. देयर आर वेरी फ्यू पार्क्स. देयर आर नो माउंटेन्स. माउंटेन्स मतलब पहाड़. और इवन हिल्स, चोटियाँ. छोटियाँ छोटियाँ पहाड़ियाँ जिन्हों आप कह सकते हैं. और आउटसाइड द सिटी देयर इज नो ग्रीन बेल्ट. नो ग्रीन बेल्ट. ग्रीन बेल्ट का इतने की मतलब है हरे वाई, जिन्हों आप कह देने हरियाली नहीं है बिल्कुल भी टोक्यो, इस करके वह बड़ी बदसूरत शहर लगता है. देयर आर फ्यू मोनूमेंट्स वर्थ लुकिंग एट. उ कुछ मोनूमेंट्स ने. मोनूमेंट्स की होंगे पुरातन बिल्डिंग्स हो सकती ने, शहर हो सकते ने. द एयर पोल्यूशन इज टेरीफाइंग. जिहड़ा उत्थे हवा का प्रदूषण है वह बहुत ज़्यादा है. टेरीफाइंग मतलब डरा देने वाला है. द परपैचुअल नॉइस डिफनिंग द ट्रैफिक मर्डरस. तो जी परपैचुअल नॉइस है, लगातार उत्थे टी टी पी पी की आवाज़ आती रहती है. इन्नी ज़्यादा उत्थे ट्रैफिक है कि बंदा मर जाए, इन्नी आवाज़ सारा दिन आती रहती है. अगे चलते हैं. But not all is ugliness in Tokyo. There are a few good buildings and impressive temples and shrines. सारा कुछ ही अगली भी नहीं हैगा, इन्ना भी अगली नहीं हैगा. कुछ अच्छियाँ buildings भी ने, कुछ impressive temples ने, कुछ shrines ने, अच्छियाँ ने जड़ियाँ, मतलब कुछ धार्मिक स्थान अच्छे ने. There are a few parks worth visiting. कुछ अच्छे parks ने जिन्हों आप जाके देख सकते हैं. And the overcrowding, the lack of space. ते ओ बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत है. ते उत्थे जगह नहीं तो उन्हें लगती हैगी. Has one advantage, pleasing at least to eyes. तो एक फ़ायदा है कि कुछ अच्छा लगता है अखा. Everything has to be small in Tokyo. टोक्यो सारा कुछ छोटा छोटा है. हाउसेज, रूम, शॉप्स, इवन वन फील्स पीपल टू फिट इन टू द स्मॉल हाउसेज. लॉन्ग साइड स्ट्रीट्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी हाउसेज ओनली. लंबिया लंबिया गलियां ने जिन्हें छोटे छोटे घर ने. एंड दिस ओफन क्रिएट्स अ टॉय लाइक. एवं लगता जिम्मे खिलौने जे पाए होंगे ने, छोटे छोटे घर ने. अनरियल क्वालिटी विद स्मॉल विमेन टिप टोइंग अलोंग इन देयर कीमोज. कीमोज की होंगे उन्होंने इन्हों की एक जी ड्रैस होंगी है ना, उसनों कीमोनोज बोल जाता. तो उत्थे हल्के कदमों नाल चलदिया ने. एंड इक्वली स्मॉल मैन सिटिंग. तो छोटे छोटे ही उत्थे जेडे मैन दे साइज ने वह भी छोटे ने. मोशनलैस, ज़्यादा वो हबड़ दबड़ नहीं करते. इनसाइड देयर टाइनी शॉप्स, वो अपनी छोटिया दुकानों बैठे रहते हैं. टोक्यो एट नाइट इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस फ्रॉम टोक्यो इन डे टाइम. दिन दे टोक्यो नालों रात का टोक्यो बड़ा अलग है. आफ्टर द ऑफिसिज हैव क्लोज्ड
ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਮਿਊਟਸ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਦ ਟਾਊਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਕੀਓ ਪੁੱਟਸ ਔਨ ਅ ਨਿਊ ਫੇਸ, ਟੋਕੀਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਨਿਓਨ ਸਾਈਨਸ ਆਰ ਸਵਿਚਡ ਔਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਓਨ ਸਾਈਨਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਫੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਟ ਕੈਫੇਜ਼ ਬਾਰਸ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਥੀਏਟਰਸ ਸਿਨੇਮਾਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦਿਸ ਵਾਈਲਡ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਅੰਟਿਲ 10:30 ਐਟ ਨਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਸਟੇ ਓਪਨ ਟਿਲ ਮੱਚ ਲੇਟਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਏ 11 PM ਅਰਲੀਅਰ ਔਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਔਲ ਦ ਗੇਟੀ ਇਜ਼ ਓਵਰ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੇਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਇਨ ਬੈੱਡ, ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਲੋਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਇਟਸ ਐਂਬੀਅੰਸ, ਇਟਸ ਫੀਲ, ਇਟਸ ਪਲੈਜਰ, ਇਟਸ ਸੈਡਨੈਸ, ਇਟਸ ਮੈਡਨੈਸ, ਇਟਸ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਇਟਸ ਪੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਟੋਕੀਓ ਮੇ ਲੈਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਅ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਲਵੇਬਲ ਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਅਤੇ ਲਵੇਬਲ ਸਿਟੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੋਕੀਓ ਡਜ਼ਨਟ ਓਫਰ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੋਕੀਓ ਡਜ਼ਨਟ ਓਫਰ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਦ ਡੈਡਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਫ ਟੋਕੀਓ, ਵਟ ਡੂ ਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਟੈਲ ਅਸ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਦ ਵਰਡ ਗੇਟੀ, ਵਾਈ ਆਰ ਦ ਹਾਊਸਿਸ ਸਮਾਲ ਇਨ ਟੋਕੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੋਕੀਓ ਡਜ਼ਨਟ ਓਫਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਨੀਚੇ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਐਕਚੁਲੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਓਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਦ ਡੈਡਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਫ ਟੋਕੀਓ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੇਰ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਉਹ ਓਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਗੱਡੀ, ਸਕੂਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਓਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਵਟ ਡੂ ਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਟੈਲ ਅਸ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ
टोक्यो बिल्कुल ही अगली नहीं हैगा, मतलब कुछ तो वो दे जो सुंदर इंप्रेस करने वाला कुछ तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गेटी। गेटी मैं थोड़ा पहला भी दसिया, गेटी मीनस होंगी हैप्पीनेस इंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द हाउसेस स्मॉल इन टोक्यो। स्मॉल क्यों ने टोक्यो च, क्योंकि उत्थे जनसंख्या ज़्यादा है, जगह घट है, इस करके हाउसेस स्मॉल ने। सो दिस वॉज योर कॉम्प्रीहेंशन। बच्चे जो भी तुम कॉम्प्रीहेंशन करते हो तो हमेशा याद रखो कि कॉम्प्रीहेंशन जिहड़ा ही वर्ड हैगा, कॉम्प्रीहेंशन इहदा मतलब ही हुंदा है कि किसी चीज़ नूं पढ़न तो बाद की तुसी उहनूं समझ पाने हो। जे तो तुसी उहनूं समझ गए, कॉम्प्रीहेंड कर लिया, फिर तो तुसी उहदे क्वेश्चन आंसर भी ईजीली कर सकते हो। जे तुसी उहनूं कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सके हैगे, दैन तुसी उहदे आंसर्स भी नहीं लभ सकते। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन दे लई तुहानू अपनी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा वधानी चाहीदी है। इस दे लई EBC दियां वीडियोज़ जिहड़ियां पहलां आंदियां सी ओह भी तुसी कर सकदे हो। तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा डिक्शनरी दा यूज़ करिया करो, जिन्ना ज़्यादा तुसी डिक्शनरी दा यूज़ करोगे, लैसनस पढ़िया करो, बुक रीडिंग करिया करो, इस दे नाल तुहाडी वोकैबलरी हाई हो जानी है। जदों तुहाडी वोकैबलरी हाई होगी तो तुसी इंग्लिश दे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बड़े ईजली कर लग जाओगे, क्योंकि तुहानू वह समझ आने लग जाएंगे। जिमें एक पंजाबी का कॉम्प्रीहेंशन होंदा है ना, तो वह पंजाबी दे कॉम्प्रीहेंशन नू तुसी पढ़ते हो, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे ने, तुसी बड़े आराम नाल कर लैंदे हो। क्यों? क्योंकि जिहड़ा तुसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पंजाबी दे विच आंदा है, उहनू तुसी पढ़ के समझ लैंदे हो, तुहानू समझ आ जाता वह कि ये की लिखा है। पर इंग्लिश दे विच तुहानू यही प्रॉब्लम आती है कि तुहानू कुछ बच्चों तक इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती, जिन्हां नू आती है रीडिंग करनी आती है, बट उन्हां नू इंग्लिश दे विच उन्हां दा मीनिंग्स नहीं पता होंदे भी ये लाइन का मतलब की बनिया, क्योंकि उहदे विच कुछ वर्ड्स इहो जिहे आ जांदे ने वो उन्हां नू ट्रांसलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा अपनी वोकैबलरी वधाओ। ठीक है, जिदे लिए थोनू मैं दसिया बुक्स नू रीड करो, अपनिया ही टैक्सट बुक्स नू रीड करया करो, जिहड़ियां थोनू सरकार ने बुक्स दित्तियां ने उहनां नू रीड करया करो, लाइब्रेरी दीयां बुक्स नू रीड करया करो, होर भी कोई कहानी बुक्स मिलदियां ने, इंग्लिश बुक्स पढ़िया करो, न्यूज़पेपर पढ़ सकदे हो। ठीक है, सो ए सी अज दी अपनी असाइनमेंट। सो जे तुसी होर भी वीडियोज़ चाहते हो कि मेरे चैनल दीयां वीडियोज़ थोनू मिलदियां रहन, तां तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती होवे तां लाइक दा बटन जरूर दबाया करो, ते अटेंडेंस कमेंट बॉक्स दे विच अपनी जरूर लगानी है, जिदे विच अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सैक्शन ते स्कूल दा नाम लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।